अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। कोर आई 7 8 जनरेशन 16 GB 256 1 TB 1060 6 GB। Sharjah Laptop Market. So this is Core i7 16 GB 25 GB SSD and 1060. इसमें graphics card है 6 GB. This is MSI. जा रहे हैं पहला जो सर्विस रोड शुरू होगा ना, बस आपके पास एक ही पीस है, हाँ आपके पास यही है। नहीं नहीं वैसे पूछ रहा हूँ, ऑन होगा ना ये? राइट के लिए साइड पे आके आगे ये थोड़ा होल्ड करके। अच्छा थोड़ा चल गया आगे के ऊपर, बीच में लाइट चलेगी जिधर एमएसआई का उसके ऊपर नीचे जी जी आ गया। So this one we have too fast. So DX Diagnostics मैंने इसकी चेक की है। ये इसकी स्पेसिफिकेशन आ गई है मेरे पास। This is Windows 10 64-bit or Core i7 8th generation 2.20 12 CPU 2.12 16 GB RAM है इसमें। कंट्रोल पैनल जो आ रहा है इसकी प्राइस 3000 है। इसकी प्राइस 8th जनरेशन में, ये 8th जनरेशन, इसमें 7 आता है वो 2500 का होता है। अच्छा अच्छा ये 8th जनरेशन है इसलिए। अच्छा इसलिए इसकी ज्यादा थोड़ा मुझे नहीं दे रहे हैं। चल ठीक है देना, भेजा ये कितने का देना है MSI मेरे को बता दे, कस्टमर से देखना है गेमिंग से मशीन को मैं उसको भी दिखा देता हूँ। ग्राफिक्स के साथ कुछ पड़ा हुआ है मशीन लैपटॉप में डेस्कटॉप में? लैपटॉप में, लैपटॉप में सर एक मिनट दीजिए, 2 मिनट ले लें। हाँ हाँ, सो वी हैव अ डिफरेंट वैरायटीज लाइक यू सी एप्पल मैकबुक few are there installing the windows कर रहे हैं मशीन के लिए। काफ़ी अच्छी मार्केट है शारजा में ये।
डेस्कटॉप भी हैं इनके पास बहुत सारे। मैं देख रहा हूँ एक लेटेस्ट स्पेक्स के साथ एक लैपटॉप, तो ये मार्केट है राइट ऑपोजिट टू दिस मार्को मार्को एमिरेट्स हेयर इन शारजा इंडस्ट्रियल एरिया। आप अगर मैप पे सर्च करेंगे मार्को एमिरेट्स तो ये आ जाएगा, इसकी ऑपोजिट ये सारी मार्केट है लैपटॉप की। मैं आपको बाहर से भी व्यू दे देता हूँ अभी। पावर सप्लाई नहीं सर, एक छोड़ के मक्का के नाम से कौन सी शॉप से मिलेगा यार? सामने वाली साइड पे चले जाएं, फरहाद हुसैन के नाम से दुकान है। फरहाद शुक्रिया। बिल्कुल जो सामने है ना, सो गाइस दे आर सेइंग दैट यू कैन गो टू ऑपोजिट साइड ऑफ द रोड और आपको फरहाद हुसैन शॉप। सो मैं अभी उस तरफ जाता हूँ, ऐसे ही रोड पार करते हैं। हालांकि ये इलीगल है, यही शॉप है फराज हुसैन के नाम से। तो हम आ गए हैं फराज हुसैन में। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, ग्राफिक्स में मशीन पड़ी है कोई? 1060 GTX 1050 नहीं, 1050 टी है या सिंपल है? कौन सा वाला दिखाएंगे? सेवन में मिल जाएगा ओमन एक्स। वो कास्ट में पड़ा हुआ है। दिस इज ओमन एक्स फॉर कोरे सेवन सेवन जनरेशन में ये। और इसके अलावा नहीं पड़ा हुआ आपकी पास? अच्छा, मतलब दोनों है ना? हाँ, लेकिन SSD 64 GB है ना सिर्फ? हाँ वो तो 64 GB है। तो विंडोज 10 डालेंगे तो फिर थोड़े अरसे के बाद तो बिल्कुल बैठ जाएगी वो। मैं ये कह रहा हूँ तो अपग्रेडेबल नहीं है वो, है वो छोटी, वो अपग्रेडेबल नहीं होती, मतलब लिमिटेड है वो। लिमिटेड ही है वो है असल में इतनी, उसमें बड़ी वाली स्लॉट आती है ना, इतनी बड़ी वाली, तो वो तो मैं 512 के 1 TB भी लगा दूं SSD में, लेकिन वो है तो छोटी वाली में हम अपग्रेड नहीं कर सकते? छोटे वाली में जो इसमें लगी हुई है उसकी उसी साइज में अपग्रेड नहीं आती उसमें, मैंने बड़ी नहीं देखी आज तक, शायद होती हो मैंने देखी नहीं है। अच्छा, इसकी क्या प्राइस है? ये 27 का मिल जाएगा आपके पास। टेप है क्या नाम है, तीन दुकान, ये दो दुकान आरिफ अली से ले लो। ये फिर इसका तो ये है कि फिर इसकी दूसरी ऑर्डर 1 TB और SSD 64 GB। SSD नहीं बढ़ा सकते, 1 TB को 2 TB आप कर सकते हैं, लेकिन विंडोज तो इसी में ही आएगी ना छोटी वाली। उसमें आप विंडोज उसमें कर लो, उसमें क्या है, उसमें क्या होगा विंडोज करने से, कुछ भी नहीं होगा। बात तो वही है ना, आपको किधर भी विंडो का ये थोड़ी कि विंडो SSD में ही होगी, नहीं तो होगी नहीं, वो तो आप किसी में भी कर लो। वो तो हम ऑप्शन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि चलो वो फिर जैसे कि उसमें आप कह रहे हैं कि अगर वो खुद ही 1 TB की है तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक ड्राइव दो ड्राइवें बना लें तो अगर एक ड्राइव जिसमें हम विंडोज ही रखें तो फिर वो थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस देता है ना। SSD में आप विंडोज रख सकते हो लेकिन आपकी कुछ फाइलें ऐसी होंगी जो इसी में ही कॉपी होती है, लेकिन वो 64 GB भर जाएगा, फिर आप क्या करोगे, फिर डेटा उसमें से कॉपी करते रहा करोगे, फिर ड्रामा लगा रहेगा।
मैंने आपको XPS का बताया, ये आपको मैंने 27 का बताया, XPS मैंने आपको 3 का बताया, वो भी 3 का बताया आपको, वो दो चीज़ों में अच्छा है। 1050 Ti ग्राफिक 4GB, इसमें भी 4GB है, 4GB उसमें भी Ti 4GB ग्राफिक नहीं, इसमें 1060 1050 60 उसमें आता है, इसमें 50 ही आया अभी तक, इसमें 50 आया अभी, 1050 सिंपल वाला, नॉट Ti हां, Ti है मेरे ख्याल में, सिंपल है कि Ti ऐसे ही कुछ है जो भी है, मेरे को ये याद है कि 1050 हां, मतलब भाई नहीं, इसमें और XPS और उस वाले में 300 का ही फर्क है ना। हां, तो आप ये से अच्छा है कि उसमें SSD भी ज्यादा, हार्ड ड्राइव भी इसी जितनी। अच्छा, तो